क्या पेटीएम चल रहा था कर सकते हुआ था जी। पिछले कई दिनों से टेररिस्ट के एक ग्रुप की यहाँ पे मूवमेंट की खबर हमें मिल रही थी, जो हमारी इंटेलिजेंसीज हैं, जो पुलिस की डिस्ट्रिक्ट पुलिस की इंटेलिजेंस ब्रांच है उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही थी। उसके चलते आर्मी और पुलिस पुलिस की जो SOG की टीम है, हम लोगों ने जो हायर रीचेस है हायर रीचेस में जगह जगह पे अपनी पोस्ट जो टेम्प्रेरी पोस्ट है उसको एस्टेब्लिश किया था। जो रोड्स हैं वहाँ पे नाके लगाए हुए थे। ये एक डिस्ट्रिक्ट कठुआ को कनेक्ट करने वाला मेन रोड है, जहाँ पे छतरगला जो पास आता है, जहाँ बाउंड्री है दोनों डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ पे हमारा MVCP नाका लगता है। प्लस साथ ही साथ हमने एक वहाँ पे पोस्ट भी एस्टेब्लिश की हुई है। ये पोस्ट जॉइंट है आर्मी और पुलिस की, SOG की जॉइंट पोस्ट है। इस पोस्ट पे रात को जब इनकी चेकिंग चल रही थी और चेकिंग के साथ साथ जब सस्पिशियस मूवमेंट वहाँ के पोस्ट के हमारे संतरी ने देखी और उस पोस्ट मूवमेंट को उसने चैलेंज किया, तो उसके बेसिस पे एक्सचेंज ऑफ फायर शुरू हुआ। फायर काफ़ी टाइम तक चलता रहा, तकरीबन 1-1.5 घंटे तक हमने अपना मोर्चा संभाले रखा। जो जवान वहाँ पे हैं आर्मी के SOG के, उन्होंने बहुत अच्छा डट के मुकाबला किया। मुकाबले के दौरान कुछ लोग जो है हमारे जख्मी हुए हैं, सभी लोग स्टेबल हैं, आउट ऑफ डेंजर हैं, जिसमें एक पुलिस वाला भी हमारा है। और अभी उस पूरे इलाके को हमने सर्च करना शुरू कर दिया हुआ है। सर्च में जितनी भी अच्छी हमारी मॉडर्न इक्विपमेंट हमारे पास है उनको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं और जल्द ही जो ग्रुप यहाँ पे घूम रहा है उसको न्यूट्रलाइज़ करेंगे। सर टेरेन कैसा है, क्या उससे कोई डिफिकल्टी आ रही, क्योंकि जंगल का इलाका था? यस, टेरेन एक तो माउंटेन्स स्टीप है काफ़ी, जंगल जो है यहाँ पे थिक है, उस वजह से जो स्पीड है हमारा उस स्पीड को हमें बिल्कुल टैक्टिकली आगे चलना पड़ता है। तो प्लेन इलाके में और इसमें यही डिफरेंस है कि हमें टाइम लगेगा इसको सर्च करने के लिए जंगल इलाका होने की वजह से। और जो हमारा मेन फोकस है कि टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज़ करना ही है और साथ में जो अपने जवान हैं उनकी सेफ्टी का भी ख्याल रखते हुए चलना है, सेफ्टी फर्स्ट, उसके बाद उनकी न्यूट्रलाइजेशन भी है, उसके चलते थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या रिपोर्ट्स के हैं सर, कितने मिलिटेंट की खबर है कि इस एरिया में आए हुए? एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकते, बट लग रहा है एक ग्रुप है जो 3 या 4 का हो सकता है, उससे ज़्यादा का तो नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू। सेपरेट इंडिविजुअल अगर कुछ भी सवाल है तो एक बार पूछ लीजिए वो सारे, ठीक है? और जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की इन्फॉर्मेशन यही है, हमने कोई बात आपसे ना छुपाई है, जो है वो सब सामने रखा।